Yes. Good morning, students. I am your SST teacher, Miss Tarika. How are you all? I guess everyone is fine, right? Yes. In our previous class, we have studied about the maps. हमने जो है अपने इससे पहले की जो classes हैं उसमें maps के बारे में पढ़ा था. That what maps are and what is the process of making map called and who makes the map. कि मैप कौन बनाता है और जो उसकी प्रोसेस है मैप की उसको बनाने की उसको क्या बोला जाता है. हमने ये तीनों चीजें पढ़ी थी एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द यूजेस ऑफ मैप. ठीक है, हमने कुछ यूजेस पढ़े थे कि मैप जो है हमें किस किस यूज में आता है. लाइक मैप हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस, शो अस इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉर्डर्स, इट हेल्प्स अस इन गिविंग डायरेक्शन. ठीक है, मैप जो है हमें डायरेक्शंस और देने में भी हेल्प करता है. And after that, we have discussed about how do we study map. Okay, or you can say that its features, map of maps feature. ठीक है, इसको हम map की features भी बोलते हैं. And how do we study a map? So we have already discussed 4 points. हमने जो है पहले ही 4 points discuss कर लिए थे map के regarding. अब एक हमारा last point बचा है, that is key or legend. But उससे पहले हम लोग जो है एक बार वापस जो है रिकॉल करेंगे सारे पॉइंट्स को दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट टू स्टडी मैप दैट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इज हेडिंग. कि हमें जो है कोई भी मैप को स्टडी करने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हमें क्या चीज दिखनी चाहिए, उसकी हेडिंग. हेडिंग मीन्स कि टाइटल ऑफ द मैप, कि मैप जो है किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना चाहता है. ओके, देन सेकेंड इज डायरेक्शंस, कि आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए. हमने पढ़ा था हमारी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में, यानी कि 4 एसेंशियल और इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस के बारे में, जो कि है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. और हमने एक चीज और पढ़ी थी इसमें कि हमें अगर डायरेक्शन का पता लगाना है तो हम कौन से डिवाइस का यूज करेंगे. हम लोग कंपास का यूज करेंगे जिससे जो है हमें डायरेक्शंस का पता चलता है. ओके, थर्ड पॉइंट इज स्केलिंग. हमने स्केल के बारे में पढ़ा था, जो हमें जो है एक्चुअल जितना एक्चुअल डिस्टेंस है उसका रेशियो या उसका करस्पॉन्डेंस में बताता है डिस्टेंस. जैसे हमने पढ़ा था स्केल मैप्स में हमने 2 टाइप्स के मैप पढ़े थे, दैट इज स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप. हमने पढ़ा था कि जो लार्ज स्केल मैप्स है वो हमें बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं इवन अबाउट द स्मॉल एरिया. ठीक है, एंड देन स्मॉल स्केल मैप में हमने पढ़ा था कि वो हमें थोड़ी सी कम डिटेल्स देते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल मैप. ठीक है, तो हमने ये सब चीजें पढ़ी थी. देन हमने पढ़ा था, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंबल और कलर्स. ये हमारा 4th पॉइंट था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, 4th पॉइंट इज सिंबल एंड कलर्स. हमने पढ़ा था कि सिंबल और कलर्स में जो है हमें वो शो करते हैं किसी भी फीचर के बारे में उसका सिंबल और कलर के रिगार्डिंग हमें शो करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि क्लाउड्स विद वाटर ड्रॉपलेट शोज रेनफॉल, कि अगर क्लाउड्स में से वाटर ड्रॉपलेट निकल रही है तो दैट मीन वो जो सिंबल है वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि किसी एरिया में रेनफॉल हो रहा है. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट की और लेजेंड. हम लोग आज जो है उसका 5th पॉइंट दैट मीन्स 5th फीचर पढ़ेंगे, दैट इज की और लेजेंड. ओके, की और लेजेंड जो है, की को लेजेंड भी कहा जाता है और लेजेंड्स को की भी कहा जाता है. सो व्हाट आर की एंड लेजेंड? मोस्ट मैप हैव अ की और अ लेजेंड. कि बहुत सारे जो मैप्स होते हैं उसमें लेजेंड और कीज जो है प्रेजेंट होते हैं. द की इज अ चार्ट that explains the meaning of symbol, signs or color used on the map. तो key और legend का क्या काम होता है? Key और legend का ये काम होता है कि जो भी symbol हम use कर रहे हैं उसका जो है हमें meaning, यानी कि जैसे अब for example मैंने अगर ये जो एक cross sign है, that means अगर ये cross sign है तो ये किसका cross sign, क्या बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, टेम्पल है या चर्च है या क्या है. तो आपको पता होगा कि ये जो क्रॉस का यानी कि प्लस का साइन होता है वो चर्च में होता है. तो ये जो की और जो लेजेंड्स है वो हमें किसी सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि क्लाउड्स है उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रही है,
तो वॉटर ड्रॉपलेट्स का मतलब क्लाउड प्लस वॉटर ड्रॉपलेट्स का क्या मतलब है, कुछ भी मतलब हो सकता है, बट उन्होंने क्या किया, स्पेसिफाई किया है कि जब भी कोई क्लाउड में से वॉटर ड्रॉपलेट्स निकलेगी तो दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे रेनफॉल हो रहा है. ठीक है, तो सेम जो की और लेजेंड है वो हमें क्या बताता है, की और लेजेंड हमें ये किसी भी जो है सिंबल का, साइन का या कलर का जो है मीनिंग बताता है, कहाँ पे, मैप के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो साइन है ये बस स्टेशन का साइन है, ये जो साइन है वो टैक्सी स्टैंड का साइन है, ठीक है, ये जो साइन है वो ट्रेन स्टेशन का साइन है, ये जो है एयरपोर्ट का साइन है, ये जो है सी पोर्ट का. वैसे स्कूल का क्या साइन होता है, ये हर एक जगह को एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सिंबल और साइंस दिए हुए हैं. जैसे टेंपल का साइन ये है, तो टेंपल और मॉस्क का साइन जो है हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते, जो जिसको जो साइन प्रोवाइड किया है वो उसका साइन वही रहेगा. जैसे मॉस्क का साइन ये है, ऊपर देखो आप लोग, यहाँ पे चर्च के साइन में क्रॉस बना हुआ है, म्यूजियम के साइन अलग है. तो जो की और जो लेजेंड है वो हमें जो है सिंबल साइन का जो है मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं मैप के ऊपर. ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट और लास्ट फीचर ऑफ द मैप. ओके, फाइन, ये जो होते हैं फाइव फीचर्स होते हैं या फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दैट वी हैव टू कीप इन माइंड while studying a map, कि हमें जब हम किसी भी मैप को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो हमें ये फोर और फाइव पॉइंट्स जो है अपने माइंड में ध्यान रखना है. ओके, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप. अब जो है हम मैप के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, कि मैप भी जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. ठीक है, बट मेनली जो थ्री ही हमें अभी याद रखने, बिकॉज हमारी बुक में थ्री दे रखे हैं टाइप्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं थ्री टाइप्स ही होते हैं वो. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स आर मेड टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ प्लेस. मेनली मैप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. हमने पढ़ा था कि हर एक मैप जो है अलग अलग फीचर्स शो करता है. अलग अलग फीचर्स मतलब जैसे कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे रिवर्स हैं, ठीक है, कहाँ पे फॉरेस्ट है या कहाँ पे रेनफॉल हो रही है. तो फीचर्स मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें शो करता है. ठीक है, तो मेनली मैप आर ऑफ थ्री टाइप्स. और जो मेन मैप्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं जो हमें पता होने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप, सेकंड इज पॉलिटिकल मैप, थर्ड इज थीमेटिक मैप. फिजिकल मैप शोज फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड सो ऑन. तो फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप हमें फिजिकल फीचर्स शो करता है अर्थ के रिगार्डिंग. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमने एक मैप देखा था जिसमें हमने डैम्स के बारे में पढ़ा था कि कहाँ पे कौन से एरिया में कौन सा डैम है. ठीक है, वैसे ही फिजिकल मैप हमें क्या बताता है कि कौन से एरिया में कौन से माउंटेन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से रिवर्स हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स कहाँ पे लोकेट करते हैं, कौन सी सिटी में है, कौन सी कंट्री में है. ठीक है, देन फॉरेस्ट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो कौन सी जगह पे कौन सा फॉरेस्ट है वो सब हम मैप में शो करके बता सकते हैं. ठीक है, तो फिजिकल मैप में क्या हो गया, फिजिकल फीचर्स हो गए जैसे माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, डैम्स एक्सेट्रा. ओके, देन सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप शोज कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स एंड कॉन्टिनेंट्स. जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो हमें क्या शो करते हैं, कंट्रीज का, सिटीज और टाउन्स, ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. कि जैसे अब राजस्थान है, तो राजस्थान में और कौन कौन से हैं, स्टेट्स हैं, बीकानेर है, जयपुर है, जो भी है. ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप हमें वो शो करने में हेल्प करता है. ठीक है, इन सबके मैं एग्जांपल आपको अभी दिखाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स. थीमेटिक मैप्स गिव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया और अबाउट अ थीम सच एज वेदर, ट्रांसपोर्ट, रेनफॉल, सॉरी वेदर, ट्रांसपोर्ट एंड पॉपुलेशन. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पज मैप. ठीक है, थीमेटिक मैप्स का दूसरा नाम होता है स्पेशल पर्पज मैप, कि जो सिर्फ स्पेशली एक चीज को बताता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन से कंट्री में या कौन से सिटी में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, कितने लोग हैं वहाँ पे और क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहाँ पे, तो वो सब जो है पर्टिकुलर, यानी कि स्पेसिफिकली कुछ पर्पस के लिए हमें बता रहा है
तो दैट वो हम कहाँ बताएंगे, थीमेटिक मैप में बताएंगे. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मैप जो मेन आपको पता होने चाहिए. ओके ठीक है, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मैप, दैट इज फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप्स एंड पॉलिटिकल मैप. ओके नेक्स्ट, ये दिस इज द फिजिकल मैप. फिजिकल मैप जो है हमें फिजिकल फीचर बताता है कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, कौन सा रिवर है, ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट है, ये सब हमें कहाँ पता चलता है, ये सब हमें फिजिकल मैप में पता चलता है. आप देख सकते हैं इसमें, देखो ये जो ग्रीन ग्रीन है कहीं पे, ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें जो है फॉरेस्ट बता रही कि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट है. ठीक है, देखो सबको अपना अपना कलर एक दिया गया है. हमने पढ़ा था कि ब्राउन कलर जो है हमें क्या बताता है, माउंटेन्स के बारे में बताता है, येलो कलर हमें डेजर्ट के बारे में बताता है, वैसे जो ग्रीन कलर है वो फॉरेस्ट के बारे में हमें डिफाइन करता है. सो ये आपका फिजिकल मैप है. ओके नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में हमने क्या पढ़ा था कि इट शोज डिफरेंट स्टेट विद देयर कैपिटल. जैसे राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर. ये जो है हमें स्टेट के साथ उनकी कैपिटल के बारे में बताता है. जैसे उत्तरांचल का कैपिटल क्या है, देहरादून. बिहार का पटना, सिक्किम का गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर. तो ये जो है हमें पॉलिटिकल मैप जो है डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताते हैं प्लस उनकी कैपिटल के साथ. ठीक है, जैसे गुजरात का क्या है, गांधीनगर. दिख रहा है ना आप सब लोगों को? ठीक है, वैसे ही महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, हरियाणा का उत्तरांचल. मेन आप ये ध्यान रखिए राजस्थान का. राजस्थान का क्या है कैपिटल, जयपुर. ठीक है, गुजरात का क्या कैपिटल है, गांधीनगर. ठीक है, अब ये देखिए आप, ये यहाँ पे जो है हमें कीज और लेजेंड्स दिए हुए हैं. उन्होंने बताया कि अगर ये वाला अगर आपका साइन है तो दैट मीन्स वो कैपिटल के बारे में, नेशनल कैपिटल बता रहा है. अगर ये साइन है तो वो यूनियन टेरिटरी कैपिटल के बारे में बता रहा है, और अगर ये साइन है तो स्टेट कैपिटल के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो वैसे ही जो की और लेजेंड होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के बारे में. इससे पहले हमने फिजिकल मैप में पढ़ा था कि फिजिकल मैप में क्या था कि अगर ये ग्रीन ग्रीन वाला एरिया है दैट मीन्स ग्रीन क्या डिनोट कर रहा है, ग्रीन जो है फॉरेस्ट को डिनोट कर रहा है. वैसे ही ब्राउन क्या डिनोट कर रहा है, माउंटेन्स को. और येलो क्या डिनोट कर रहा है कि डेजर्ट्स को. तो यहाँ पे हम ये कीवर्ड यहाँ पे बता सकते थे बट इसमें अभी आपको नहीं दिया हुआ, हम अगर चाहते तो कीवर्ड्स बता सकते हैं यहाँ पे. ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट इज थीमेटिक मैप्स. ठीक है, ये आपका थीमेटिक मैप है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया और थीम सच एज वेदर, कि वहां का वेदर कैसा है. ठीक है, सनी है, विंडी है, रेनफॉल हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है, वहां पे कौन से तरह की सॉइल जो है अवेलेबल है, या कितना पॉपुलेशन है वहां पे, ये सब जो है हमें थीमेटिक मैप में पता चलता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये की और लेजेंड होते हैं, है ना. अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वो ये कलर है दैट मीन्स वो एलुवियल सॉइल का है. जैसे ये वाला जो कलर है इसमें यहाँ पे कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है. ठीक है, अगर येलो जो है दैट मीन्स ये डेजर्टेड एरिया है. ठीक है, देन माउंटेन्स को यहाँ पे इसने ग्रीन कलर में डिनोट किया है, ये जो डार्क कलर है. ठीक है, देन ये ग्रे एंड ब्राउन कलर, रेड कलर, तो सबके बारे में आपको बता रखा है कि यहाँ पे कौन कौन सा सॉइल है. जैसे यहाँ पे माउंटेन सॉइल है. ठीक है, कहीं पे ग्रे एंड ब्राउन है तो दैट मीन्स वो ग्रे एंड ब्राउन सॉइल है. तो हर एक चीज का, हर एक कलर का डिफाइन किया गया है. ये आपको कलर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे, बिकॉज आप हम यहाँ पे तो मेंशन नहीं कर सकते कि ये कौन सा सॉइल है. तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक कलर दे दिया सबको कि अगर येलो कलर है तो दैट मीन्स डेजर्ट सॉइल है, अगर ये कलर है तो दैट मीन्स एलुवियल सॉइल है. ठीक है, अगर ये लाइट ग्रीन कलर है तो दैट मीन्स ब्लैक सॉइल है. तो उसने हर किसी एक कलर को एक सॉइल से डिनोट कर दिया कि अगर ये कलर है तो ये पर्टिकुलर सॉइल होगा, अगर दूसरा कलर है तो दूसरा सॉइल होगा. तो की और लेजेंड्स ये होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, किसी भी सिंबल के बारे में. देखो अब इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री भी बता रखी है, उसके बारे में भी उसने साइन दे रखे हैं. तो ये सब चीजें हैं आपकी. सो दीज आर द
थ्री टाइप्स ऑफ मैप जो हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट इज पॉलिटिकल, देन फिजिकल एंड देन थीमेटिक मैप्स. चलिए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने जो है आज थ्री टाइप्स के मैप पढ़े हैं. ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे. कल हम मैप और ग्लोब के बीच का डिफरेंशिएट पढ़ेंगे. ओके.